वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप दा साडे इस चैनल सिख की अरदास विच स्वागत है। अज असी आप जी दे नाल सज्जन ठग दी साखी सरवण करन जा रहे हाँ। तां आओ शुरू करते हैं साखी सज्जन ठग दी। श्री गुरु नानक देव जी कुछ समा सैदपुर विच ठहरन उपरंत अगे चल पे। चलते चलते गुरु साहिब अते भाई मरदाना जी तुलंबा नगर पुजे। नगर के बाहर वाल एक वड्डी हवेली सी। हवेली के एक पासे मंदिर बनिया सी अते दूसरे पासे मसीत बनी हुई सी। विचकार उच्चे उच्चे चुबारे अते आलीशान कमरे सन। हवेली के दरवाजे ते दो सेवक खड़े सन जेड़े हर राही नूं जी आया कहिंदे अते हवेली विच ठहरन लई बेनती करदे सन। यह हवेली एक सज्जन नामी ठग दी सी। ओह धार्मिक लिबास ते कपड़े पहनदा सी। गले विच रुद्राक्ष की माला पांदा। नगर के लोग उसनूं बड़ा धार्मिक इंसान समझदे सन क्योंकि वह हर आए गए की बड़ी सेवा करता। मुसलमान मुसाफिरां लई उसने मसीत बनाई हुई सी अते हिंदुओं लई मंदिर बनाया सी। पर असल विच ओह एक अत्याचारी अते अधर्मी व्यक्ति सी। रात नूं अनपाणी छकन उपरंत जद मुसाफिर सो जांदे तां ओह उन्हां मुसाफिरां दी तलाशी लैंदा। जिन्ना पास धन हुंदा ओह उन्हां नूं अपने करिंदियां पासों मरवा दिंदा अते सारे धन ते कब्जा कर लैंदा। पर जिन्ना पास कुछ ना हुंदा उन्हां नूं अगले दिन जान दिंदा। जिहड़े लोग बच के निकल जांदे ओह उसका गुणगान करदे। इस तरह उसते कोई शक ना करता। गुरु जी ते भाई मरदाना जी जद मुख द्वार पुजे तो सज्जन ठग ने बड़े आदर सत्कार नाल उन्हां नूं जी आया आख्या। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उसका नाम पुछया। ओह कहन लगा, मुसलमान मैनू शेख सज्जन कहिंदे हन अते हिंदू मैनू सज्जन मल आखते हन। ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं तो हर किसी का सज्जन हाँ। सज्जन नूं विश्वास सी कि गुरु जी एक वड्डे व्यापारी हन ते जान बुझ के फकीरी का भेस धारण किया है ताकि किसी नूं शक ना होवे। सज्जन ने गुरु जी की बड़ी टहल सेवा करनी चाही। उसने गुरु जी नूं बड़े आदर सत्कार नाल भोजन लई पुछया पर गुरु जी ने भोजन छकन तों ना कर दित्ती। रात समय सज्जन गुरु जी दे सौण दी उडीक करन लगा तां जो ओह गुरु जी नूं मार के उन्हां दी संपत्ति खो सके। गुरु जी ने अपनी सुर परमात्मा विच जोड़ लई अते शब्द गायन करन लगे। भाई मरदाना जी रबाब वजाण लगे। सज्जन हौली हौली गुरु जी नूं वेखण आया पर गुरु जी अकाल पुरख की बंदगी विच लीन सन। गुरु जी नूं लुट्टण दे इरादे नाल जद सज्जन कमरे विच दाखिल होया तां गुरु जी वल्लों उचारी इलाही बाणी सुन के उसका कठोर मन पसीज गया। गुरु जी वल्लों उचारे शब्द का उसके दिलों दिमाग ते बहुत असर होया। उसनू इंज जापिया जिवें इस शब्द के हर बोल उसके जीवन नाल संबंध रखते होण। शब्द का भाव सी कि धर्मी होने के झूठे विखावे नाल कोई लाभ नहीं हुंदा। जे मन ठगियां ते बदियां ना लिबड़िया होवे बंदा किन्ना भी विखावा करे वह परमात्मा पासों लुक नहीं सकता। यह शब्द सुन के सज्जन गुरु जी के चरणों में डिग पिया अते अपने किते कुकर्मां लई माफ़ी मंगी। गुरु जी ने सज्जन नूं समझाया, मौत सच्चाई है, कर्मां राही जोड़िया धन इत्थे ही रह जाएगा पर माड़े कर्म साढ़े नाल जाणगे
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜਣ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।